आज मैं पूर्ण सर आप लोगों को क्लास सेवंथ के मैथ सब्जेक्ट के 11वां चैप्टर परिमाप और क्षेत्रफल नामक पाठ का पहला वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें आप सर्वप्रथम परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे और इस प्रश्नावली में निर्देशित प्रश्नों का, उल्लिखित प्रश्नों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग पहले देख लें कि आयत क्या है और वर्ग क्या है। तो पहले आप देख रहे हैं वर्ग दिया गया है, तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और इनमें जो कोण बनता है वो समकोण होता है। और आयत क्या है, इसमें भी जो कोण बनता है वो समकोण बनता है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा समान। क्लियर हो गया। दूसरा चीज है अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, क्योंकि इसमें चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, तो भुजा गुणे भुजा होता है। परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर चार गुणे भुजा, जैसे देख रहे हैं 1 2 3 4, चार भुजा है तो चार गुणे भुजा। आयतन क्या है, तो आयतन का क्षेत्रफल है लंबाई हो गए और ये चौड़ाई हो गए, लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई घन चौड़ाई, यानी 2 चौड़ाई है और 2 लंबाई है, तो लंबाई घन चौड़ाई का हम 2 गुना कर देते हैं, ये आपका आयत का परिमाप। इस प्रकार से बेटे सबसे पहले आपको सूत्र याद करना है। इसमें 4 तरह का सूत्र आपको मिल गया, कौन सा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। इस प्रकार से हम अगला जो 11.1 की जो प्रश्नावली है उसमें हम पहला क्वेश्चन जो है उसको हल करेंगे। दिया गया है कि आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार देखेगा सबसे मेन आपको देख रहा है आयताकार भूखंड की लंबाई क्या है, 500 मीटर, चौड़ाई क्या है, 300 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, पहला भूखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, कौन सा भूखंड, आयताकार भूखंड का। तो आप जानते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, हमने कह दिया लंबाई गुणे चौड़ाई, हमने 500 गुणे 300 का गुणा कर दिया और ये आपका बन गया 1,50,000 वर्ग मीटर। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि भूखंड का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर का 10,000 रुपए हो, तो 1 वर्ग मीटर का यानी 1 वर्ग यानी 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई अगर है तो उसका मूल्य 10,000 रुपए है, तो 1,50,000 वर्ग मीटर का कितना होगा, तो 1,50,000 वर्ग मीटर में हम 10,000 का गुणा कर देंगे और हमें इतना रुपया आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे आप चाहे तो गिन सकते हैं, 11,00,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, और यानी 1,50,000 करोड़ रुपए इसका मूल्य होगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन, 1 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ मत दिया है क्या होगा जब उसका उस वर्ग का परिमाप 320 मीटर हो। तो आप जानते हैं कि 1 वर्गाकार पार्ट का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो अब हमको भुजा क्या करना है, ज्ञात करना है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बटे 4 हो जाएगा। तो 320 बटे 4 हमने भाग दे दिया, 80 आया। अब भुजा का आपका जो भुजा, एक भुजा का माप हो गया
80 मीटर। अब कह रहा है उस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप जानते हैं वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 80 गुणे 80 कर देंगे 8 28 64 और 2 जीरो है इसलिए 6400 वर्ग मीटर होगा। इसी प्रकार से आपका तीसरा है क्वेश्चन देख लेंगे इसमें कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 440 मीटर और आयताकार भूखंड की लंबाई है 22 मीटर तो चौड़ाई कितनी होगी, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है 440, लंबाई दिया हुआ है 22 मीटर तो चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई बराबर हम क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे दिए यानी 440 में 22 का भाग दे दिया, चौड़ाई हमको 20 मीटर आ गया मिल गया। अब जब चौड़ाई किस मीटर में ज्ञात हो गया तो पूछ रहा है कि परिमाप क्या होगा, उस भूखंड का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप बराबर आप जानते हैं 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 गुणे 22 मीटर लंबाई 20 मीटर चौड़ाई दोनों को जोड़ दिए हो गया 44, तो 2 गुणे 44 बराबर 88 वर्ग मीटर। चौथा क्वेश्चन आपका है कि आयताकार सीट का परिमाप, एक आयताकार सीट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है उसका परिमाप है 100 मीटर तो उस आयताकार सीट का लंबाई क्या है 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या करना है, तो आपको पहले परिमाप का सूत्र लिखेंगे, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई का चौड़ाई, परिमाप आपका 100 सेंटीमीटर, यह लंबाई आपकी 35, चौड़ाई याद करना है उसका दोगुना है, तो सीधे पहले हम 100 में 2 का भाग दे देंगे तो एक लंबाई और एक चौड़ाई हमको मिल जाएगा, तो यह हो गया 2 का भाग दिए 50 मीटर आपका मिल गया। तो अब चूंकि लंबाई दिया है तो इस लंबाई को हम अगर हम पक्षांतर करते हैं तो 50 ऋण 35 ऋणात्मक तो जैसे ही पक्षांतर करते हैं ऋणात्मक रूप में हमें प्राप्त होगा, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 50 ऋण 35 यानी 50 में 35 घटा लेंगे तो चौड़ाई आपको मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जब चौड़ाई भी मिल गया तब तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस आयताकार सीट का क्षेत्रफल क्या होगा, उस आयताकार सीट का क्षेत्रफल क्या होगा, उस आयताकार सीट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई आपको यहां पे दिया गया है 35 और चौड़ाई आपको यहां पर प्राप्त हो गया 15 मीटर, तो अब हम इसको 15 सेंटीमीटर क्या करेंगे 35 गुणे 15 सेंटीमीटर कर लेंगे, तो जब हम गुणा करेंगे तो ये आपको 15×75 5 15×45 52 525 वर्ग सेंटीमीटर आपका यह आयताकार सीट का क्षेत्रफल होगा। हम आज इस वीडियो में 11.1 का जो शेष क्वेश्चन था उसका अध्ययन करेंगे, तो चार तक आपने पूर्व की वीडियो में आपने क्वेश्चन हल कर लिया है, पांचवा क्वेश्चन ये है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 60 मीटर है और वह वर्गाकार पार्क आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी दोनों का क्षेत्रफल वर्गाकार और आयताकार का क्षेत्रफल जो है दोनों बराबर है, तो पहले हम वर्गाकार क्षेत्रफल का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, क्षेत्रफल कितना है, तो हमको एक भुजा प्राप्त हो गई है 60 मीटर की, तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल का आप सूत्र भी जानते हैं कि भुजा गुणे भुजा, इसमें आप देखेंगे कि 60 गुणे 60 हम लिख लेंगे भुजा गुणे भुजा, गुणा करेंगे तो 6 6 36 आपको 60 मीटर पर बोला और जितना जीरो ये जीरो दो जीरो बढ़ा देंगे वर्ग मीटर हो गया, यानी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल जो होता है वो 3600 वर्ग मीटर मिल गया आपको। अब आयताकार वाला में क्या मिला, तो आयताकार पार्क का जो लंबाई है वो 90 मीटर मिला हुआ है और यह 90 मीटर जब हमको लंबाई मिल गई तो इसकी चौड़ाई भी हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई अलग से बताना है, तो हमें ज्ञात है कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यह मिल गया कि पार्क का क्षेत्रफल बराबर 3600 वर्ग मीटर और इसका सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई।
हमें लंबाई ज्ञात है, चौड़ाई ज्ञात करना है, तो चौड़ाई का मतलब क्या हो जाएगा 3600 बटा 90। जब इसे हम हल करेंगे तो हमें चौड़ाई 40 मीटर प्राप्त होगा। क्लियर हो गया। आज छठवां क्वेश्चन आपका है कि आयताकार तार के आकार की लंबाई, एक आयताकार तार है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर दिया गया है और उसकी चौड़ाई 22 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ये कह रहा है कि उसका या पहले अगर उस तार को हम थोड़ा सा दो बार मोड़ दें और उसका आकार एक वर्ग के हिसाब से हो जाए, वर्गाकार हो जाए, तो वर्गाकार की भुजा बताइए और किसका परिमाप अधिक होगा इसको आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा कि जो पहले हम क्या करेंगे, आकार ज्ञात करेंगे और भुजा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम आयताकार जो आपका तार वाला है उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर ज्ञात हो गई। तो अब हम इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप तो क्या है, तो परिमाप क्या है, 2 × लंबाई घन चौड़ाई, यह सूत्र है। मान रख देंगे 2 × 40 घन 22 जोड़ देंगे, 2 × 62 हो गया और बराबर हो गया 124 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आपका परिमाप मिल गया। अब इसकी एक भुजा आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि वर्गाकार भुजा, वर्गाकार का परिमाप बराबर 4 × भुजा, तो भुजा एक भुजा को ज्ञात करने के लिए जो हमको परिमाप मिला है उस परिमाप में हम 4 का भाग दे देंगे। तो जब 4 का भाग देंगे तो हमें एक भुजा प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे परिमाप आता है 124, 4 × भुजा है तो भुजा बराबर 124/4 हमने कर दिया, भाग दे दिया, 4 × 12, 4 × 4 यानी इसका 31 सेंटीमीटर एक भुजा का माप मिल गया, इतना 31 सेंटीमीटर। अब ये क्लियर हो गया। अब कह रहा है आयताकार वाले क्षेत्र, तो आयताकार तार का क्षेत्रफल दिया है 40 और 22। अब देखिए अब आयताकार तार का क्षेत्रफल कितना है, 40 × 22 अर्थात 880 सेंटीमीटर। वर्गाकार तार का क्षेत्रफल क्या है, हमको मिल गया है क्या, भुजा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हमको भुजा ज्ञात तो हो गया तो अब हमको लिख देना है 31 × 31 यानी 961 वर्ग सेंटीमीटर जब पूरा करके मिल जाएगा। तो आयताकार का कितना मिला 880 और वर्गाकार का कितना मिला 961 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है कि वर्गाकार तार के आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफर्म कर दें, 124 का परिमाप किसका मिला है, आयत का। तो हमको वर्गाकार का परिमाप की परिमाप को दोनों बराबर होगा तो वर्गाकार की भुजा बराबर, वर्गाकार की एक भुजा बराबर। अब यह सूत्र क्या होगा, तो परिमाप बराबर 4 × भुजा, इसको हम लिख लेंगे पहले, ठीक है। अब परिमाप आपको क्लियर हो गया, दोनों का परिमाप लगभग बराबर हो जाएगा तो 124/4 भुजा को ज्ञात हो गया। अब हम चलते हैं 7 नंबर पे। 7 में दिया है कि एक आयताकार जो है आपका मिला हुआ है उसका परिमाप 130 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और लंबाई क्या है ज्ञात करना है। तो आयताकार जो आपका जो तार है या कोई आकृति है उसका परिमाप लेंगे, आयताकार का परिमाप बराबर 2 × लंबाई / चौड़ाई, या सूत्र हो गया। तो परिमाप हमको मिला कितना 130 सेंटीमीटर बराबर 2 × लंबाई / चौड़ाई। चौड़ाई का मान आपका 30 है, 30 हमने रख दिया। अब चूंकि यह 130 है तो हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, 130/2 हमने कर दिया, 65 हो गया। अब 65 में 30 का हमने पक्षांतर कर दिया क्योंकि चौड़ाई में ज्ञात है, लंबाई को ज्ञात करना है, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 65/30 या 35 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई में चौड़ाई यानी 35 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर। जब इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1050 वर्ग सेंटीमीटर।
आठवां क्वेश्चन आपका है कि एक दीवार है जिसकी लंबाई 4.5 मीटर, चौड़ाई 3.6 मीटर है और उसमें एक दरवाजा दिया गया है जिसकी लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर है। उसे रंगने के लिए 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना रुपए की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम उस दरवाजे का, उस दीवार का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दरवाजे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई मालूम है 2 मीटर, चौड़ाई मालूम है 1 मीटर, तो 2 × 1 यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 2 मीटर हो गया। अब दीवार का क्षेत्रफल दरवाजा जो है दरवाजे सहित यानी पूरे दीवार का क्षेत्रफल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे कि 4.5 लंबाई हो गया, चौड़ाई कितना होगा 3.6 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जब इसको हल करेंगे तो यह आएगा 16.20 वर्ग मीटर। अब दरवाजे को निकाल करके शेष हमको कितना दीवार हमको मिलेगा इसको हम ज्ञात करेंगे। तो आप जान रहे हैं दीवार दरवाजे का क्षेत्रफल कितना है 2 मीटर, तो 16.20 × 2 घटा देंगे 2 मीटर को और मिलेगा कितना 14 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी 14.20 मीटर। अब कह रहा है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई का खर्च बराबर, तो हम क्या करेंगे 14.20 × 20 कर देंगे, हल करेंगे तो आएगा 284 रुपए आपका हल होगा। तो आज के इस वीडियो में 14.1 आज इस वीडियो में क्लास 7th के मैथ सब्जेक्ट के 11वां चैप्टर परिमाप एवं क्षेत्रफल का 11.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। इसमें हम सबसे पहले सूत्र देख रहे हैं कौन कौन से फार्मूले का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है समांतर 1/2 × समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चूंकि आपका त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया गया है इसीलिए यहाँ पर यानी सम चतुर्भुज का या समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसमें लंबाई चौड़ाई के स्थान पे आधार को लंबाई माना गया है और ऊंचाई को यानी चौड़ाई को ऊंचाई माना गया है। जैसे कोई आप समांतर देख रहे हैं कि इसको लंबाई आप मानते हैं, इसको यहाँ पे आधार माना गया है और जो ऊंचाई है उसको यहाँ पे चौड़ाई जो आपका है उसी को यहाँ ऊंचाई मान लिया गया है। यह हो गया आपका आधार और यह हो गया ऊंचाई। इसी पे आपका पूरा का पूरा 11.2 प्रश्नावली निर्भर है। इसी सूत्र को आपको याद कर लेना है, याद करने के बाद आप पुनः नए सिरे से इस क्वेश्चन को हल करने के लायक हो जाएंगे। याद कर लीजिए पहला क्या है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और एक वो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × आधार ऊंचाई। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रत्येक चित्र का समांतर चतुर्भुज ज्ञात करिए, प्रत्येक चित्र का समांतर चतुर्भुज ज्ञात करिए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या है, पहले सूत्र देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इस लंबाई और चौड़ाई को हमने आधार इसको प्रश्न कर सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। अब इस सूत्र पे हम इसको हल करेंगे। अब क्या है, 7 आपका आधार दे दिया और 4 सेंटीमीटर यह ऊंचाई दे दिया, तो हल करने में कोई समस्या नहीं। 7 × 4 = 28 वर्ग सेंटीमीटर। एक बी कर दीजिए, बी में क्या है, आधार 5 ऊंचाई 3 यानी 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर, सूत्र वही लगेगा आधार गुणे ऊंचाई। सी में देखेंगे आपका आधार हो गया 2.5 और ऊंचाई हो गई 3.5, ठीक है, तो अब 3.5 × 2.5 = 8.75, इसको आप सीधे सीधे 2.5 कर दीजिए और इसको 3.5 कर दीजिए, ऊंचाई हो गया 8.75 वर्ग सेंटीमीटर। डी का है,
आप इधर आधार इसको बनाया गया है और इधर ऊंचाई कर दिया गया है, यानी आधार 5 और ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर। अब यहां जब आप गुणा करेंगे, जैसे इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, 4.8 गुणा करेंगे यह 24 सेंटीमीटर आ गया। टी का है देख रहे हैं आपका, ये आधार 2 और ऊंचाई 4.4 हो गया है, तो ये आपका 8.8 सेंटीमीटर हुआ। यह हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर रहा है आपको बताया गया, क्या चीज, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। आप देखिए कोई समस्या नहीं है इसमें, देखिए इसमें आधार दिया है 4, ऊंचाई दिया है 3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे 4 लिया, ऊंचाई 3 लिया और 1/2 वही है, 2 × 4 को काट दिया 2 बार में, तो 3 × 6 = 2 × 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया। इसमें देख रहे हैं कि 5 आपका आधार है, 3.2 आपका ऊंचाई है, 1/2 × 5 × 3.2, 2 से हमने इनको काट दिया, 3.2 को 1.6 के रूप में और 1.6 का बड़ा हमने 5 में किया, 8 हमको वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। सी क्या है आप देख रहे हैं, यह आपकी आधार दिया गया है या इसको आप ऊंचाई मान लीजिए, जो भी चाहे कर सकते हैं इसमें त्रिभुज में, यह इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, तो यह अगर आधार मानते हैं तो 3 सेंटीमीटर यह आपका आधार और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से इसको भाग कर देंगे, 2 × 4 का गुणा 2 में कर देंगे, 6 सेंटीमीटर। अब अगला आपका है कि यह आपका डी है, डी तो यह देखिए 3 सेंटीमीटर हो गया आपका आधार, ऊंचाई हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, 1/2 × 3 × 2 से तो कट गया 3 आपका सेंटीमीटर इस बार मिल गया। तीसरा क्या है, तीसरा में आपको भरना है, ठीक है, आधार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई, ये 3 चीज दिया गया है आपको, तो 3 चीज में आपको क्या करना है, 1 चीज पूछ रहा है, यानी आधार दिया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, तो आपकी ऊंचाई पूछ रहा है, या इसको अल्टरनेट करके पूछ रहा है, इसमें है आधार दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, तो आपको क्या करना है, ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ऊंचाई बराबर देखते हैं 246/20 गुणे ऊंचाई। अब क्या करेंगे, ऊंचाई बराबर क्या करेंगे, 246/20 का भाग दे देंगे और जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 12.3 सेंटीमीटर आएगा, 12.3 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, यह हो गया पहला, तीसरे का पहला, तीसरा का भी है, यहाँ पे आधार पूछ रहा है, ऊंचाई 15 दिया है 15 सेंटीमीटर और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 154.5 सेंटीमीटर वर्ग दिया है, आधार का क्या करेंगे, 154.5/15 कर देंगे, भाग देने पर हल करने पर यह 10.3 सेंटीमीटर आ रहा है। अगला सी है, ऊंचाई दिया है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, आधार पूछ रहा है, तो आधार बराबर क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे हम ऊंचाई कर देंगे, यानी 48.7 × 8.4, जब इसे हम हल करेंगे यह हमको मिलेगा 5.8 सेंटीमीटर। डी है आधार दिया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो सबसे पहले हल करने के लिए आपको बता दें, एक ट्रिक जान लीजिए कि पहले हम इसे दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को हटाने की क्या है, दशमलव के जितने स्थान तक आपके अंक दिए गए हैं, शून्य दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं, उसको उतना हम शून्य जैसे कर लेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है 16.38/15.6, तो यहाँ पे दशमलव अंक तक 2 दशमलव है और यहाँ पे दशमलव के आगे के स्थान के बाद अंक है, तो इसको हम 100 का गुणा कर देंगे तो यह भी 10 हट जाएगा, इसमें भी 10 हट जाएगा, मिलेगा क्या आपको कि 1600 मैंने 38 और डबल जीरो रहेगा, 10
क्योंकि दो स्थान के बाद है, दो स्थान के बाद आप दशमलव लगा लेंगे, नीचे एक स्थान के बाद क्रिया का समय 38 हो जाएगा और ये क्रमशः 60 हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे भाग देंगे तो आपका 1.05 आएगा। ठीक है, अगला है चौथा नंबर, रिक्त स्थानों का मान याद कीजिए, आधार ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह आपको दिया गया है। तो आधार मैंने मान लिया पहला हो गया या ये हो गया, इसको आप बी मान लीजिए और इसको आप सी मान लीजिए। तो ये जिसमें आधार दिया है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल या 87 या क्योंकि दिया गया तो बाद में आपका हल कर बताएगा। तो अब क्या करेंगे हम, 1/2 जानते हैं, 1/2 गुणे 15 गुणे ऊंचाई क्या ना। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से और इधर आपका 87 दिया ही है, हल क्या करेंगे 87 गुणे 2/15। जब हल किए आप तो आपका देखिए क्या मिला, 87 और 15 का भाग दिए 5.8 मिला, 5.8 में 2 का गुणा किए और ये बराबर हो गया 11/6। दूसरा है कि आपको ऊंचाई दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, आधार पूछ रहा है। तो आधार की हम क्या करेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई क्या होता है। तो आपका यहाँ पे 12/56 दिया है बराबर 1/2 गुणे आधार, 1/2 गुणे आधार और 1/3 में ऊंचाई आपका दिया है, ऊंचाई दिया गया है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 12/56 कर देंगे यानी 12/56 × 2/31.4। अब इसे आप 1.4 से काटेंगे तो आपको मिलेगा क्या, अब देखिए गुणा करते हैं, 12,560 दशमलव पर रखा गया, 12,560 भागा 157 तो समस्या देना। तो 157 जब हम भाग देंगे तो यह 80 बार हो जाएगा, यहां हमने इसको लिख दिया आधार 80 से। सी में देखिए ऊंचाई कितना है, आधार दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल में 2 का गुणा कर दिए बटा हमने 22 कर दिया क्योंकि आधार दिया हुआ है, आधार क्या है दिया हुआ है। तो 22 के लिए 2 से हमने 22 भाग दिए 11 बार गया और ये 11 भाग दिए शब्द में हमने दिया यहाँ पर देखिए यह भाग हुआ है तो यह आ गया 15.4 भाग, क्योंकि 10.2 स्थान है तो क्योंकि और संक्षेप निकलने के लिए एक संख्या दूसरों के एक स्थान पर उचित तो मानने के लिए 5 को हटा देते हैं और उसमें से एक इसमें 4 को जोड़ देते हैं तो यह आपको 15.5 सेंटीमीटर आ जाता है। इस तरह वीडियो में हम 11.2 का जो शेष क्वेश्चन है उसको हल करना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन आपका है कि एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है PQRS, देख रहे हैं PQRS। अब इसमें PS पे एक लंब है QL तथा SR पर एक लंब है QM। तो SR की लंबाई 12 सेंटीमीटर और QM की लंबाई 7.6 सेंटीमीटर। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल के लिए जानते हैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है आधार पे ऊंचाई। तो यह 12 या 7 जो देख रहे हैं यह आधार हो गया और 7.6 जो QM देख रहे हैं वो इसकी ऊंचाई हो गई। तो मिला क्या, तो 12 × 7.6 = 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है QL यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर, QL या इसके लिए मैं बताइए जब अगर PS बराबर 8 सेंटीमीटर तो PS आप देख रहे हैं यानी PS का मतलब हो गया आधार, आधार बराबर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तो ऊंचाई QL बराबर अभी ऊंचाई हो गया, ऊंचाई पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि आपको पूरा का पूरा कितना मिल गया, ये क्षेत्रफल बराबर और ये PQRS का क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल में हम ऊंचाई का भाग देंगे तो हमारा QL मैंने वो लंबाई का भाग देंगे तो ऊंचाई हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आधार हो गया ऊंचाई QL बराबर
तो 91.2 बटा 8400 सेंटीमीटर। यह हम थोड़ा सा जल्दी वाली करते हैं, लेकिन इसको लिख सकते हैं PQR का क्षेत्रफल PQRS का क्षेत्रफल बटे क्या चीज लंबाई या आधार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। छठवां क्वेश्चन दिया गया है कि एक चतुर्भुज है जो एबीसीडी है, इसमें बी से डीए पर एक लंब है डीएल इसको कहते हैं, और एक लंब आपका डीए पर बीएम है, यानी एबी पर डीएल और डीए पर बीएम एक लंब है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1470 सेंटीमीटर वर्ग हो, जिसमें एबी की लंबाई 35 और एडी की लंबाई 49 सेंटीमीटर है, तो बीएम की लंबाई और डीएम की लंबाई बताइए। इसमें दे दिया है क्षेत्रफल, दे दिया है एबी की लंबाई, दे दिया है एबी की लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई दे दिया है, हमको निकालना क्या है बीएम की लंबाई यानी इसकी लंबाई। तो हम क्या करें, पिछले वाले पीछे पांचवें में आपने देखा कि PQRS का क्षेत्रफल बटे आधार, वैसे ही हम इसको भी कर लेंगे कि ए बी सी डी का आपका क्षेत्रफल बटे एबी का माप, इसको लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का, तो 1470 बराबर 35 गुणे डीएल या डीएल आपकी ऊंचाई बताई जा रही है यहां पे। तब हम क्या करेंगे, डीएल बराबर 1470/35 का भाग देंगे, 1470/35 का भाग देंगे और जब इसको करेंगे तो यह आपका डीएल बराबर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एडी की लंबाई पूछ रहा है, वो बीएम की लंबाई, तो बीएम की लंबाई के लिए अगर हम देखेंगे तो देख रहे हैं बीएम की लंबाई एडी पर, तो 1470/49/BM, तो BM बराबर क्या आ जाएगा 1470/49, 49 से 1470 काटेंगे तो 30 बार दिया जाएगा, तो BM की लंबाई 30 सेंटीमीटर होगी। आपका छठवां क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसको थोड़ा सा और देख लेंगे, यहां पर हम फिगर बनाते रहे हैं, ये ऐसे फिगर आपका है, अब यहां से इसकी जो है सिधाई यहां और इसकी सिधाई यहां, अब इसकी यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यही आपको दिया गया था, बताया गया था। सातवां क्वेश्चन आपका है, एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें एबी 5 सेंटीमीटर, बीसी 13 सेंटीमीटर और एसी 12 सेंटीमीटर, तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए। तो एबीसी का क्षेत्रफल में कोई समस्या नहीं है, आप जान रहे हैं क्या चीज कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 हमने कर दिया, आधार आपका दिया हुआ है ये आपका देख रहे हैं 12 और ऊंचाई दी गई है 5। अब क्या करेंगे, अब यहां 2 × 6 = 12, 5 × 6 = 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं दूसरा कि एडी की लंबाई बताइए, अब इसको और इसको हम बड़ा कर देंगे तो यह आधार हो जाएगा, इसका भाग कर देंगे तो 12 × 5 = 60 और 13 ये आपका एडी की लंबाई हो जाएगी। अब हम आते हैं आठवें नंबर पे, आठवां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी जिसमें बीसी पर एडी लंब है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और एबी पर सीई है जिसका हमको ज्ञात करना है किसकी लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 हो गया, आधार कितना है 9, ऊंचाई कितनी है 6, ये देख रहे हैं, तो इसका कितना जाएगा नौकरी 27 हो गया, यह एबीसी का क्षेत्रफल मिल गया। अब सीई की लंबाई क्या है, सीई की लंबाई अब देखेंगे, यहां पे इसको आधार यहां हो गया, हमको मिल गया आधार, और आधार जब मिल गया
गया तो हमको यह ज्ञात है त्रिभुज का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर वर्ग। तो अब हम क्या करते हैं, C की लंबाई बराबर हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 27 बराबर 1/2 गुणे 7.5 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई। ऊंचाई बराबर क्या है, या तो आप 2 का गुणा 27 कर दीजिए या 7.5 × 2 का भाग दे दीजिए, दोनों ही तरह से आपका उचित आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 27 × 2 कर दिया है, 54/7.5 कर दिया। अब हम 10 हटाने के लिए हम 10 का गुणा कर देते, 540 हो गया और ये 7.75 हो गया। 540 हम भाग दिए 75 का तो ये 7.2 सेंटीमीटर आया। तो इसका आंसर यानी सी की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर।